इतनी दूर तक बच्चे मधुर धुन पर थिरक रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। सचमुच कहा जाए शाहगंज की भरत मिलाप का मुख्य आकर्षण दुर्गा पूजा शोभा यात्रा में दुर्गा पूजा की प्रतिमाएं होती है। सांत्वना पुरस्कार के लिए शोभा यात्रा में जो आठ दुर्गा पूजा ने अपनी सहभागिता किया था, उसमें सांत्वना के लिए हिंदू धर्म रक्षक मंडल पूजन उत्सव समिति अध्यक्ष अश्विनी अग्रेरी जी से निवेदन है कि मंच पर आवे और सम्मान प्राप्त करें। पाल दुर्गा पूजा समिति पक्का पोखरा, पाल दुर्गा पूजा समिति पक्का पोखरा अध्यक्ष नंदराम चौरसिया जी या उनके कोई प्रतिनिधि। ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति नरहट्टा दिनेश यादव, नगर दुर्गा पूजा पुराना चौक अरविंद नगरी एक्टिव, इन दोनों से हमारा आग्रह है कि वो मंच पर आ जाए। अरविंद नगरी एक्टिव ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति, दिनेश यादव नगर दुर्गा पूजा समिति और दिनेश यादव ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति। नगर दुर्गा पूजा आइए, ग्रामीण दुर्गा पूजा दिनेश यादव या कोई उनके प्रतीत आ जाए। फोटो है? अरे ठीक है, नाला जरूरी सामने। जय मां सिंह सवार दुर्गा पूजा समिति चेयरमैन गली शाहगंज तृतीय स्थान शोभा यात्रा जय मां दुर्गा पूजा समिति, जय मां सिंह सवार दुर्गा पूजा समिति। भैया आपके नाम नहीं बताते बोलने के लिए दिया, ये बोला चाहिए इस प्रश्न का वगैरह तो भी कुछ बताइए कि उसमें लिखा नहीं तो कटिंग करूँ बोलने के जय मां सिंह सवार दुर्गा पूजा समिति डॉक्टर जलालुद्दीन के सौजन्य से ये पुरस्कार आप दीजिए। द्वितीय स्थान बड़े सौभाग्य का विषय है कि अपने बीच में हम सभी के लोकप्रिय क्षेत्राधिकारी माननीय अजय कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। भगवान को माल्यार्पण कर दे। दुर्गा पूजा शोभा यात्रा में तृतीय स्थान जिस समिति को प्राप्त हुआ है नवरात्रि दुर्गा पूजा समिति सराफा गली शाहगंज, नवरात्रि दुर्गा पूजा समिति सराफा गली शाहगंज। सर तब जाओ बोले जय रामचंद्र की, बोले दुर्गा मैया की। Thank you.
डॉक्टर जमालुद्दीन की तरफ से दुर्गा पूजा के सभी पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जमालुद्दीन, श्री दुर्गा पूजा शोभा यात्रा में जिस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है डॉक्टर जलालुद्दीन के सौजन्य से प्रथम पुरस्कार डॉक्टर जमालुद्दीन के सौजन्य से ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जय मां दुर्गा पूजा समिति महावीर कटरा सागर। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो दुर्गा मैया की। बंधुओं, वास्तव में पूजा श्रद्धा से होती है, मां के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। यह तो केवल एक शोभा यात्रा में जो हम प्रदर्शन करते हैं इसका परिणाम है। हमें मां के चरणों में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपको जानकर हर्ष होगा, पूरे नगर के अंदर 35 दुर्गा पूजा पंडाल रामजा समिति के सौजन्य से स्थापित थे। इसके पूर्व भी मैं उसका परिणाम आप तक पहुंचाऊं। कुछ पुरस्कार शेष रह गए हैं, उनको भी माननीय अध्यक्ष जी देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई भी काम बिना धन संग्रह के नहीं होता है, और यह पुरस्कार हमने अपनी कमेटी को घोषित किया था। जो साथी हमारा पास के चंदा में से इस वर्ष 25% ज्यादा चंदा को देगा, उसको हम सम्मानित करेंगे मंच पर। बहुत ज्यादा ये सब चक्कर में रहेगा, सामने पब्लिक नहीं देखेगा। अब ये छोड़िए, 25% से ज्यादा चंदा लाने वाला सबसे एक ही सक्सेस रहा है, कोई और नहीं, वो है हमारा साथी, हमारा मंत्री अजय कुमार अग्रवाल। पिछले वर्ष कलेक्टर कंजला मंदिर से 34,000 रुपए का चंदा आया था, इस बार उसको उन्होंने 51,000 रुपए करके हमको दिया है, क्योंकि धन संग्रह ही बेस हमारा है, बिना इसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके पूर्व जो मैं दुर्गा पूजा पंडाल जिसके परिणाम की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं आप तक पहुंचाऊं, अपने बीच में जिनके कर कमलों से अभी आप पुरस्कार ग्रहण कर रहे थे, जिनके कमलों पर पूरे मेला का सुरक्षा का भार था, जैसा आपने हम सबको आश्वासन दिया था कि कहीं से किसी भी प्रकार की अपनी घटना नहीं होने पाएगी, वैसा ही कर दिखाया। पुलिस प्रशासन जिनके निर्देशन पर कार्य करता है, ऐसे हम लोगों के बीच में उपस्थित आज के अतिथि के रूप में मंच पर आकर के समिति का उत्साह वर्धन करने वाले माननीय क्षेत्राधिकारी श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे माइक पर आए और अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन समिति के कार्यकर्ताओं को दें, जिनका जिनसे उनका उत्साह और आगे बढ़े आने वाले सत्रों में और भी अच्छे रूप से रामलीला का कार्य कर सकें। माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय, चेयरमैन और क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रभुत्व नागरिक,
मेरा ये दूसरा वर्ष दशहरा दुर्गा पूजा रामलीला है। पिछले वर्ष भी मैंने देखा, इस वर्ष भी मैं देखा, पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा था, इस वर्ष उससे सर्वाधिक अच्छा है। मैंने देखा लोग बताए कि पानी बरस गया है, दशहरा दुर्गा पूजा रामलीला रावण दहन अच्छा से नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान का ऐसा मंशा रहा कि दशहरा भी अच्छा हुआ, मेला भी अच्छा हुआ और रावण दहन भी बहुत अच्छा हुआ। और ये हमें नहीं कहेंगे कि हमने ही सब कुछ किया, यानी पुलिस ने सब कुछ किया, आपका सहयोग रहा, जन जन का सहयोग रहा, आप सभी लोगों का सहयोग रहा कि इतना बड़ा शाहगंज का उत्सव मेला समारोह जो भी कार्यक्रम आपका था, ये आपके सहयोग से ही सकुशल शांतिपूर्वक सब सद्भाव में और आपस में भाईचारा देखते हुए मैंने देखा कि बहुत ही संपन्न हुआ कायदे से यह मेला। जरा से कहीं से भी कोई सूचना नहीं मिली कि यहाँ कोई घटना घट गई हो या यहाँ कोई छेड़खानी हो गई हो। अब की बात पे ये एकदम नहीं था, ये आप लोगों का सबका सहयोग था। और मैं समझ रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा होगा। अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूँ, इन्होंने जो है अपने नेतृत्व में जितना बढ़िया कराया। मुझे कुछ चिंता लगी हुई थी 3-4 दिन की, लेकिन मैंने इनको बता दिया था हमारा पूरा सहयोग है। उस सहयोग में मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप कितने दिन कराया, पूरा मेरा सहयोग था। कुछ लोगों का विरोध था तो विरोध मुझे प्रकट करना था ताकि ये न लोग समझें कि पुलिस प्रशासन भी इन्हीं के साथ है। लेकिन फिर भी हमने देखा बहुत बढ़िया से आप लोग कार्यक्रम कराए। पुलिस अगर जहां हमें 2 लगाना था वहां अगर 1 भी नहीं लगी तब भी जो हमें कहीं से शिकायत नहीं मिली, इसके लिए धन्यवाद। मुझे आप लोग बुलाए इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। हम लोग भाग्यवान रहे, भाग्यशाली रहे कि इस वर्ष कहीं से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने अध्यक्ष जी के पूज्य पिताजी वकील साहब से, वे कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। अक्षय कुमार जायसवाल एडवोकेट, अध्यक्ष जी के पूज्य पिताजी पिताजी हैं अध्यक्ष जी के, इनकी इच्छा है कि आज के अपने अतिथि माननीय श्री शिव साहब जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। मुझे खुशी होती है कि एक दिन मैं उनसे कलेक्टर में जब मिला तो ये कहने लगे फंसा तो दिहर रूपे इसके, फंसा तो दिहर रूपे इसके। मैंने कहा वकील साहब जनता ने रुपेश को फंसा दिया है और रुपेश ने हमको फंसा दिया। बंधु आप लोग सब जानते होंगे मेरे पूज्य स्वर्गीय भैया जो कभी रामलीला के रोज कार्यकर्ता हुआ करते थे, बड़े ही दुर्भाग्य से 3 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। रुपेश जायसवाल मेरे यहाँ पहुँचे, थोड़ा सा इनके मन के अंदर भाव आया, लेकिन मैंने वही पीठ ठोकर के कहा रुपेश चिंता मत करना, शाहगंज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है भाई, आप तो नहीं है ठीक है, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा पर मेरी तरफ से कोई आंच नहीं आएगी। और मैंने पूरी तरह से अपने अनुभव का प्रयोग
इस बच्चे के सफल कार्यक्रम में दिन रात रहकर डेढ़ टांग पर दौड़ते हुए हमेशा अपना हाथ इनके सर पर रखा है। और इन्होंने कभी 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 मंच से मुझे पिता के रूप में सम्मानित किया तो आज तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित समझने लगा। मुझे जितना प्यार सम्मान रूपेश जायसवाल ने दिया है सचमुच में इसकी योग्य तो नहीं था, लेकिन ये मेरा भाग्य है। तो मैं अभी से आपको विश्वास देता हूँ कि अगर मैं रहा और इसी तरह ठीक से रहा तो आने वाले समय में भी इसी तरह से जैसे सभी का सहयोग करता रहा पूरी तरह से आपका सहयोग करूँगा, ये मेरा वचन है। आप प्रदीप जायसवाल जी और डॉक्टर डी एस यादव जी से सिविल पूज्य हमारे जो देव जी के पिताजी हैं इनका माल्यार्पण करके इस चिन्ह दे करके इनका स्वागत सम्मान करें। मैं आज भी आपसे मिला था, दुकान पर बैठा था, चाय पिया, बड़ा स्नेह सम्मान हमेशा आपका रहता है मेरे प्रति, कहीं मिलते हैं तो जरूर से उससे बात करते हैं। हम आग्रह करेंगे यहाँ पर बैठे हुए सभी